आगे बढ़ते हैं और राजनीति की बात करते हैं। रामपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं। वहां पर सपा प्रत्याशी आसिम राजा के प्रचार में आजम खान लगातार जुटे हुए हैं और वो इमोशनल दांव खेलकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। एक दिन पहले आजम ने अपना दर्द बयान किया था और आज फिर आजम ने भावुक होकर लोगों से आसिम राजा को उपचुनाव में जीत दिलाने की अपील की, साथ साथ मौजूदा सरकार पर चुन चुन कर हमले किए। आजम खान उपचुनाव के लिए कैंपेन करते हुए, हंस हो गए अपने ऊपर, उन पे तो दुनिया हंस रही है, थूक रही है हम पर दुनिया। हंसो और हंसो, हमसे ज्यादा बेशरम और कौन हो सकता है? इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर हंसने की हिम्मत है? मैं जांच देता हूं तुम्हारी सेहत को। कारें बहुत सी हैं, हमारी सब कारें भी हैं, लेकिन अमन था, शांति थी, मोहब्बत थी, एक दूसरे का एहतराम था और तरक्की थी। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी है, हमें तो ये खबर ही नहीं थी कि सरकारों का काम घरों के दरवाजे तोड़ना है। मैं चोर हूं, मैं भटक का डाकू, भैंस का डाकू, मुर्गे का डाकू, फर्नीचर का डाकू हूं, किताबों का डाकू हूं। ए अल्लाह, हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो मुर्गियां डकैती करें, भैंस डकैती करें, किताब डकैती करें, मशीन डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी बना नहीं। तय कर सकी कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ? हम कानून से भी साबित नहीं कर सके कि मेरा बच्चा कैसा बदनसीब था, कैसी बदनसीब है। आज यहां कितने लोग खड़े हैं, कितने बाप और कितनी माए। रामपुर के लोगों, तुमने मेरे बच्चों की मदद की है और इंशाल्लाह मेरा हाथ होगा और तुम सब तुमने बहुत बहुत रुला है। दरवाजे पर कल 24 मुकदमों में तारीख, अगले दिन 25 मुकदमों में तारीख और हर कथा में उम्र कैद की सजा। कई जिंदगी चाहिए सजाओं को भुगतने के लिए, कई जिंदगी बहादुरी से जो लोग मुकाबला कर रहे हैं, दो सरकारों का मुकाबला कर आजम खान, उनके बयान पिछले कुछ दिनों में आपने देखे, उसी कड़ी में यह ताजा बयान था। आइए आपको कुछ और बिंदु दिखाते हैं आजम खान से जुड़े हुए, आजम ने जो कहा उससे जुड़े हुए। चुनाव प्रचार में आजम की आंखें फिर से नम हुई, कह रहे हैं आप अपने पर हंस रहे हैं या हम पर हंस रहे हैं? हम पर तो दुनिया हंस रही है, ये उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से कहा। दुनिया हम पर थूक रही है, हमसे ज्यादा बेशर्म और कौन हो सकता है, ये बयान था आजम खान का। अभी अभी आपने देखा भी, तुम्हारी सेहत को वाह वाह, जमाना वाह, मैं चोर हूं, मैं बकरियों का डाकू हूं, भैंस का डाकू हूं, ये बयान था आजम खान का। मैं मुर्गी का डाकू हूं, फर्नीचर का डाकू हूं, ये भी कहा आजम खान ने। मैं किताबों का भी तो डाकू हूं, ये भी उनका कहना था। जेल के दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे हैं, ये बयान था आजम खान का। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने बेटे की उम्र साबित नहीं कर सका, मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ। रामपुर के लोगों, तुमने झूठे मुकदमे किए, मैं बुजदिलाना मौत मरना नहीं चाहता, मुझे खो देने के बाद तुम खुश नहीं रह सकोगे, ये बातें थी आजम खान की मंच से। भावुक होते हैं, क्रोधित होते हैं, जज्बात को बयान करने के उनके अलग अलग अंदाज एक ही स्पीच में आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।